हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि आपके सामने ये टू स्ट्रोक इंजन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दो टाइप का टू स्ट्रोक इंजन दिख रहा है। एक आपको दिख रहा होगा टू स्ट्रोक SI इंजन और एक दिख रहा होगा टू स्ट्रोक CI इंजन। पहचाने कौन सा इंजन? फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंजन कौन सा है देख के बताएं। स्पार्क लगा है, मींस ये है टू स्ट्रोक SI इंजन। ये देखिए, ये फ्यूल इंजेक्टर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ एयर जा रहा है। ये जो एयर इंटेक दिया हुआ है, एयर यहाँ इंटेक हो रहा है और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। दिस मींस ये है हमारा टू स्ट्रोक CI इंजन। एक और तरीका पहचानने का, ये देखो यहाँ पे क्रैंक केस में फ्यूल हमारा हो रहा है और ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू ऊपर की ओर जा रहा है। मींस ये पक्का टू स्ट्रोक होगा। ठीक है, नाउ टू स्ट्रोक SI इंजन। दो स्ट्रोक हैं, पहले स्ट्रोक के बारे में देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक जो है, फ्यूल एयर मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिलेंडर एंड इज देन कंप्रेस्ड कंबशन इनटेक एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। मतलब फ्यूल एयर एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पिस्टन के अंदर आता है। पिस्टन हमारा BDC पे रहता है पहले। ठीक है, जब ये BDC से TDC की ओर जाता है तब क्या होता है, इंटेक पोर्ट जो हमारा ये इंटेक पोर्ट है ओपन होता है। यहाँ से पूरा फ्यूल हमारा क्रैंक केस में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये हुआ। सेकेंड स्ट्रोक में क्या है हमारा, कंबसन प्रोडक्ट एक्सपेंड डूइंग वर्क एंड देन एग्जॉस्ट। अब क्या होता है, आपका जो पिस्टन है नीचे की ओर आया, आपका जैसे पिस्टन नीचे की ओर TDC से VDC की तरफ आता है तो क्रैंक केस में प्रेशर पड़ता है क्योंकि इसमें फ्यूल भरा हुआ है। तो वो फ्यूल क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू पहुंच जाता है हमारे कंबसन चेंबर में। फिर जब हमारा पिस्टन BDC से TDC पे जाता है तो क्या होता है, ये स्पार्क मिलता है उसे और फ्यूल हमारा बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने के बाद पूरा पावर एनर्जी हमारे पिस्टन पर लगता है, पिस्टन TDC से BDC की ओर आने लगता है। और ये देखो यहाँ पे आपको दिखता है एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है तो जो भी हमारा यहाँ फ्लू गैसेस है वो बाहर की ओर निकल जाता है। ऐसा प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा वर्किंग है इंटेक। क्या है इंटेक, द फ्यूल और एयर मिक्सचर इज फर्स्ट ड्रॉन इन टू द क्रैंक केस बाई द वैक्यूम क्रिएटेड ड्यूरिंग द अपवर्ड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। ड्यू टू वैक्यूम द इंटेक वाल्व इज ओपन एंड एयर फ्यूल मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस और सॉरी इट्स एंटर्ड। मीन्स इंटेक में क्या होता है, आपका पिस्टन BDC पे होता है, BDC से जैसे TDC पे जाएगा तो क्या होगा, क्रैंक केस के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब क्रैंक केस के जो प्रेशर हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्रैंक केस का जो अंदर प्रेशर है वो कम है। दिस मीन्स हमारा फ्यूल अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर इंट्रोड्यूस होगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछते कि हमारा फ्यूल क्यों, जब हमारा पिस्टन ऊपर जाता है तब हमारा फ्यूल क्यों अंदर की ओर आता है, नहीं क्या ऐसा काम है जब फ्यूल हमारा अंदर आता है तो कैसे आता है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है, जब हमारा पिस्टन BDC से TDC पे जाता है तो उसके कारण हमारे क्रैंक केस में वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होता है इसका मतलब बाहर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसका और क्रैंक केस का एटमोस्फेरिक प्रेशर है, क्रैंक केस का एटमोस्फेरिक प्रेशर बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है जिसके कारण बाहर का फ्यूल हमारा अंदर की ओर आता है। यह था हमारा इंटेक प्रोसेस। ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक द वाल्व इज फोर्स्ड क्लोज्ड बाय द इंक्रीज्ड क्रैंक केस प्रेशर, द फ्यूल मिक्सचर इज देन कंप्रेस्ड इन द क्रैंक केस ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द स्ट्रोक। अब जब हमारा पिस्टन TDC से BDC की ओर आएगा तो जो फ्यूल हमारा क्रैंक केस में भरा हुआ है वो फ्यूल प्रेशराइज होगा तो फ्यूल कहाँ जाएगा, यहाँ एक गैप खुल जाता है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट जिसे बोलते हैं, ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू हमारा फ्यूल क्रैंक केस से कंबसन चेंबर में चला जाता है। ठीक है, और जब हमारा पिस्टन BDC पे होता है तो ट्रांसफर पोर्ट और आपका एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ओपन रहता है। ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसके कारण, ये आगे हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको जैसे यहाँ पे दिख भी रहा होगा, फ्लू गैसेस जो हैं वो अपने फ्रेश चार्ज को भी साथ में बाहर ले जा रहा है क्योंकि दोनों एक टाइम पे ओपन हैं, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नाउ ट्रांसफर और एग्जॉस्ट प्रोसेस में क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रोक द पिस्टन एक्सपोज द इंटेक पोर्ट
allowing the compressed fuel air mixture in the crankcase to escape around the piston into the main cylinder. This expects the exhaust gases out the exhaust port. Unfortunately, some of the fresh fuel mixture is usually expelled as well. Means, अब क्या हुआ हमारा हमारा पिस्टन जब नीचे आया था क्रैंक केस में जो भी फ्यूल था वो कहाँ चला गया ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू कंबसन चैम्बर में. अब कंबसन चैम्बर में चला गया अब क्या होगा हमारा जो पिस्टन है ऊपर की हो जाए कंप्रेस होगा कंप्रेस होगा तो क्या क्या करेगा हमारा जो फ्यूल गया उसको कंप्रेस करेगा दैट इज़ थर्ड प्रोसेस हमारा कंप्रेशन. द पिस्टन देन राइसेस ड्रीवन बाय फ्लाई व्हील मोमेंटम एंड कंप्रेसेस एंड फ्यूल मिक्सचर. अब क्या होगा हमारा फ्यूल जो मिक्सचर उसको कंप्रेस किया हमारा पिस्टन ऊपर जाकर. अब जब जैसे हमारा फ्यूल कंप्रेस हुआ स्पार्क ने इग्नाइट किया और हमारा क्या हो गया फ्यूल बर्न हो गया. फ्यूल बर्न हुआ एट द सेम टाइम अनदर इंटेक स्ट्रोक इज़ हैपनिंग बीनीथ द पिस्टन. अब यहाँ पे बोल रहा है एट द सेम टाइम जब हमारा पिस्टन ऊपर की ओर ऊपर जाकर क्या कर रहा है वहाँ पे फ्यूल को जला रहा है तब तो एक और काम है यहाँ पे नीचे उस इंजन में एक और काम हो रहा है हमारा इनलेट पोर्ट ओपन हो गया वहाँ से फ्यूल अंदर की ओर भर रहा है. ठीक है अब फिर जब हमारा एनर्जी जब पूरा फ्यूल जो बर्न का एनर्जी है पिस्टन पर लेगा तो पिस्टन क्या होगा लास्ट प्रोसेस इज द पावर वो हमें पावर देगा इट इज़ एक्सपेंशन प्रोसेस. एट द टॉप ऑफ द स्ट्रोक द स्पार्क प्लग इग्नाइट द फ्यूल मिक्सचर द बर्निंग फ्यूल एक्सपेंड्स ड्राइविंग द पिस्टन डाउनवर्ड टू कंप्लीट द साइकिल. और उस डाउन किया तो हमारा क्रैंक की क्रैंक जो है एक बार रोटेट होगा. इतना प्रोसेस करने के बाद क्रैंक एक बार रोटेट होता है. ठीक है अब डिसएडवांटेजेस देखें क्या हैं हमारे टू स्ट्रोक एसआई इंजन में. द इंजन डू नॉट लास्ट एज लॉन्ग ड्यू टू पुअर लुब्रिकेंट. लुब्रिकेशन यहाँ पर पुअर होता है जिसके कारण ज़्यादा दिन तक ये इंजन नहीं चलवाता है. ठीक है इंक्रीज्ड हीटिंग ड्यू टू मोर नंबर ऑफ स्ट्रोक लिमिट द मैक्सिमम स्पीड. क्या होता है टू स्ट्रोक इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती है क्योंकि एक पावर में वो एक साइकिल कंप्लीट करता है दो पावर में दो करेगा तीन पावर में तीन करेगा मीन्स हर एक पावर स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होगा. इसका मतलब वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो रही है मीन्स क्रैंक केस में क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक के बीच में हीट बन रहा है जिसके कारण फेल होने का चांस होगा. थर्ड पॉइंट है हमारा द इंजन डू नॉट यूज़ फ्यूल एफिशिएंसी. ये इंजन अगर आपको फ्यूल आपको चाह रहे हो कि एफिशिएंसी आपकी इंजन की अच्छे हो तो आप टू स्ट्रोक इंजन कभी यूज़ मत करना. क्यों यूज़ मत करना क्योंकि हम जानते हैं जब हमारे पिस्टन बीडीसी पे होता है तो फ्यूल जब हमारा ट्रांसपोर्ट पोर्ट से कंबसन चैम्बर में जा रहा होता है तभी और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों एक टाइम ओपन होता है. ट्रांसपोर्ट पोर्ट और एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट पोर्ट जिसे हम बोलते हैं दोनों एक टाइम पे ओपन होता है तो इसके कारण क्या होता है जो हमारा फ्रेश चार्ज जो अभी आया है कंबसन चैम्बर में फ्लू गैसेस उसको कुछ पार्टिकल्स कुछ फ्यूल्स को लेके बाहर की ओर चल जाता है तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हुआ मीन्स एफिशिएंसी कम हुआ. दिस इंजन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन. हाँ भाई तुम्हारा बाहर की ओर आधा फ्यूल लेके चला जा रहा है फ्यूल कंबशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा पॉल्यूशन. अब ये है आपका टू स्ट्रोक का एक्चुअल ये थियोरेटिकल साइकिल है जो हम पढ़ते हैं और ये हमारा एक्चुअल साइकिल. थियोरेटिकल साइकिल हमारा ऐसा दिखता है और एक्चुअल ऐसा ठीक ऐसा दिखता है. क्वेश्चन कभी पूछ देता है ड्रॉ अ डायग्राम फॉर थियोरेटिकल एंड एक्चुअल साइकिल फॉर एसआई इंजन टू स्ट्रोक एसआई इंजन तो आपको ऐसे बनाना होगा. अब यहाँ पे एक बात आती है यहाँ पे एकदम कर्व आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसा आर्क क्यू टाइप का बना है एक्चुअल में. रीज़न ये है मेन सबसे अच्छा रीज़न है टाइमिंग. हम थियोरेटिकल में तो दिखाते हैं हमारा जैसे वन से टू पहुंचा टू से थ्री जैसे पहुंचा कि प्रोसेस मेरा आया और हमारा तुरंत चेंज हो गया. बट जो प्रोसेस फ्यूल फॉर एग्जांपल वन से टू गए अब टू से थ्री में हमारा क्या होता है हीट ऐड होता है फ्यूल ऐड होता है यहाँ पे कंबशन होता है कि टू से थ्री पे यहाँ दिखाया यहाँ पे कोई टाइमिंग का बात नहीं कर रहा है तो वो टाइमिंग क्यों बात नहीं कर रहा भाई वहाँ फ्रिक्शन लॉस होगा जो भी लॉस होगा टाइम लॉस होगा उसके कारण जो हमारा एक्चुअल साइकिल जो होता है वो थोड़ा कर्व बनता है. ठीक है नेक्स्ट है टू स्ट्रोक सीआई इंजन. अब टू स्ट्रोक सीआई इंजन मीन्स डीजल यूज़ कर रहे हैं तो डीजल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे फ्यूल इंजेक्टर. देखो फ्यूल इंजेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं और ये एयर इंटेक. अब पिस्टन हमारा बीडीसी पे है बीडीसी पे जब हमारा पिस्टन है हमारा इनलेट पोर्ट ओपन है मीन्स एयर हमारा अंदर की ओर आ गया. अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा फ्यूल जो है हमारे फ्यूल को क्या कंप्रेस करेगा एट हाई पीक प्रेशर तक जाएगा हमारा पिस्टन
तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर एयर का बढ़ेगा, तब हमारा फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, डीजल को इंजेक्ट करेगा। ड्यू टू दिस यहाँ पे फिर बर्निंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वर्किंग क्या है, व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेवल द साइलेंडर कंटेन अ चार्ज ऑफ हाईली कॉम्प्रेस्ड एयर, डीजल फ्यूल इज स्प्रेड इन टू द साइलेंडर बाई द इंजेक्टर एंड इमिडिएटली इग्नाइट्स बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर इन साइड द साइलेंडर। ठीक है, ये कहना चाह रहा है जब हमारे पिस्टन ऊपर की ओर होगा, मीन्स एयर को कॉम्प्रेस करके रखा, तो एयर का प्रेशर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तब आप जो फ्यूल इंजेक्ट कराओगे तो क्या होगा, फ्यूल बबल्स के टर्म फॉर्म में आएगा, तो वो हेट्रोजेनस से होमोजेनस होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा डीजल साइकिल में जो फ्यूल का प्रॉपर्टी होता है वो हाइड्रोजनस होता है, मिक्स नहीं होता है, बट हमको मिक्स कराना होगा, एक दोनों को सेम फेस में लाना होगा, तभी हमारा वहाँ बर्निंग होगा। तो फ्यूल हमारे बबल्स में आता है, अब हमारा हीट जो हमारे एयर में है वो बबल्स में ट्रांसफ़र होता है, बबल फिर वेपोराइज होता है, फिर उसमें आग लगता है। ये टाइमिंग के कारण हमारा जो एक्चुअल साइकिल होता है उसमें थोड़ा कर्व बन के आता है, आगे हम देखेंगे। और हमारा थियोरेटिकल में उसमें तो हम डायरेक्ट पीक दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में यही टाइमिंग जो होता है कि हमारे एयर जो हॉट हीट एयर एयर गर्म है, एयर क्या करेगा, फ्यूल जो आपने इंजेक्ट करा है उसके मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफ़र करेगा, और हीट ट्रांसफ़र होगा तो फिर उसमें वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा तब वहाँ बर्न होगा। ये सब टाइम लगता है, जिस कारण हमारा जो एक्चुअल कर्व बनता है वो थोड़ा कर्व टाइप का बनता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, टू स्ट्रोक सीआई इंजन इज़ मोर एफिशिएंट देन टू स्ट्रोक एसआई इंजन, क्यों आप बताओ? टू स्ट्रोक सीआई इंजन जो है वो मोर एफिशिएंसी देन एसआई इंजन, टू स्ट्रोक एसआई इंजन, रीज़न क्या है? रीज़न ये है, इन टू स्ट्रोक एसआई इंजन फ्रेश चार्ज और द मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल एस्केप आउट अलॉन्ग विद द फ्लू गैसेज ड्यूरिंग एग्जॉस्ट। हमने अभी जस्ट देखा क्या होता है एसआई इंजन में, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आया, ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन हुआ, तो वहाँ क्या फ्यूल हमारा क्या हो गया, क्रैंक केस से कंबसन चैम्बर में चला गया। उसी टाइम पे हमारा फ्लू गैसेस जो इससे पहले बना था, पार्टिकल जो जले थे वो बाहर निकलता होता है, तो वो क्या करता है, हमारे जो फ्रेश चार्ज है उसको भी थोड़ा लेके बाहर की ओर चला जाता है, मीन्स एफिशिएंसी कम हो गई। बट इन सीआई इंजन में क्या होता है, हम फ्यूल को बाद में इंजेक्ट कराते हैं, फिलहाल जब तक वो हमें क्या करता है, वो एयर को कॉम्प्रेस करता है, तो भाई जितना एयर तुमको बाहर फ्लू गैस के साथ निकालना है निकाल लो ना, हमारा एयर तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, एफिशिएंसी फ्यूल कम होता है तो एफिशिएंसी, फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो एफिशिएंसी कम हो रही, बट क्या है यहाँ पे, एयर आप बाहर लेके जा रहे हो तो ले जाओ ना एयर, क्या जा रहा हो ना, तो उससे क्या होगा, सीआई इंजन का एफिशिएंसी बढ़ी रहेगी एज़ कम्पेयर टू टू स्ट्रोक एसआई इंजन। ठीक है, अब ये देख लें, ये देखो टू स्ट्रोक सीआई इंजन का ये है हमारा थियोरेटिकल और ये है हमारा एक्चुअल डायग्राम। देखो यहाँ पे कर्व बना है, इधर यहाँ भी कर्व बना हुआ, इधर यहाँ ये कर्व, सब यही सब रीज़न है ये सब। ठीक है, ये दो पीक टाइप एकदम ये डायरेक्ट पीक पीक बना हुआ है, बट यहाँ पे कर्व बना है, जो मैंने आपको टाइमिंग के लिए बताया ऐसा ही रीज़न ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।